Hey guys, today is 14 Feb, which is also known as Valentine's Day. तो आज जो हमारी वीडियो है वो इसी को लेके है और इसमें फिटनेस या मसल बिल्डिंग की बात नहीं होने वाली है. तो अगर आप इसको मसल बिल्डिंग के लिए कुछ देखना चाहते थे वीडियो को, तो आई सजेस्ट आप ये वीडियो स्किप कर दें, राइट, ना देखें. मैंने फेसबुक पे अभी कुछ दिन पहले कुछ डाला था कि आपके पास अगर आपका ब्रेकअप होता है या जैसा होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. नंबर वन इज आप ड्रग्स, अल्कोहल और गलत कामों में जा सकते हैं, और नंबर टू इज आप उसी एंगर को, उसी फ्रस्ट्रेशन को कुछ अच्छे कामों में लगा सकते हैं और उसमें यू कैन रियली सक्सीड. तो उसको लेके मुझे रिस्पॉन्स आया किसी का, बंदे का, कि उसके साथ क्या हुआ था ब्रेकअप को लेके. तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि अगर ये वीडियो आप में से किसी एक या दो बंदों को भी हेल्प कर दे, तो आई थिंक के दिस वीडियो इज अ सक्सेस. आई स्टार्ट दिस वीडियो बाय सेइंग कि वैलेंटाइन डे इज क्रैप. नाउ सम ऑफ यू विल स्टार्ट हेटिंग मी व्हेन आई से वैलेंटाइन्स डे इज क्रैप, डेफिनेटली क्रैप. एंड व्हेन आई से क्रैप, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या अंगूर खट्टे हैं, या मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, या है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है. तो द रीज़न आई एम सेइंग इज इट्स कम्प्लीटली अ मार्केटिंग कंसेप्ट, बिकॉज बॉयज बाइंग गिफ्ट्स फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स बाइंग गिफ्ट्स फॉर बॉयज एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर बाई गिविंग सॉर्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट. तो आप देखते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर्स, मॉल्स, एवरीवेयर, सब, और इन दिनों में तीन चार दिन इसके पहले शुरू हो जाता है ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि अपने लव्ड वन को ये गिफ्ट कीजिए, वो गिफ्ट कीजिए, यू शुड मेक देम फील स्पेशल बाय गिफ्टिंग हर दिस, गिफ्टिंग हर दैट, राइट. तो रोज डे, प्रपोज डे, ये वो सब. तो उसका, उसके पीछे पर्पज़ क्या है? उसके पीछे पर्पज़ है पैसा बनाना, बिकॉज यू विल बाय गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन एंड द कंपनी विल मेक मनी. They don't give a shit about how much you love your wife, how much you love your girlfriend, or how much you love your boyfriend, right? So, सबसे पहले तो ये जान लीजिए. इसलिए मैंने बोला है कि it's a completely crap concept. और दूसरी बात, क्या आप really सोचते हैं कि आपको एक दिन चाहिए होता है अपने प्यार को दिखाने के लिए? You have all 365 days. You can gift your wife, gift your girlfriend, anything, anytime, and if you are truly in love with someone, they don't really, you know, looking for your gifts. तुम्हारा साथ ही उनके लिए बहुत होता है. तो आपको शॉपिंग वेबसाइट्स ये वो बताती हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाना पड़ेगा उनको गिफ्ट देने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए. आई एम श्योर आप सबके पास स्मार्टफोन होंगे और उस पर आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी इन दिनों में स्नैपडील से, अमेजोन से, और यहाँ वहाँ से कि अपने लव वंस के लिए ये बाई कीजिए, वो बाई कीजिए. तो इसको देख के होता क्या है कि टीनेजर्स जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है या जिनका बॉयफ्रेंड नहीं है या कोई ट्वेंटीज़ में है जो इतने मैच्योर नहीं होते, तो वो दे स्टार्ट टू फील बैड कि मे बी दे आर मिसिंग अ लॉट इन लाइफ कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. मैं आपको बोलना चाहूँगा ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है, ऐसा मत सोचें, राइट. ये मार्केटिंग वालों ने आपके दिमाग में इतना भर दिया है कि वैलेंटाइन डे सभी इंजॉय कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे हैं, वैलेंटाइन को लेके घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप सोचते हैं कि मे बी यू आर अ लूजर और मे बी यू आर अ बैड पर्सन, विच यू आर रियली नॉट. प्लीज ब्रदर्स, डू नॉट फील बैड, यू विल फाइंड अ गर्ल जब भी टाइम आएगा, राइट, जब सही टाइम होगा. तो डोंट ट्राई टू, यू नो, दिया लेके लड़की को ढूंढना, डोंट ट्राई टू रश इनटू फाइंडिंग समवन. इट हैपेंस बाय चांस, यू डोंट हैव टू गो आउट स्पेशली टू फाइंड समवन. ओके, आज वैलेंटाइन डे आने वाला है, दो तीन दिन पहले मैं किसी को ढूंढता हूँ, ऐसा नहीं होता है. सो डोंट फील बैड अबाउट इट ब्रदर्स, के आप, यू आर नॉट अ लूजर जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड. एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैव देयर ओन इशूज उनके साथ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स आर बैड, मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ अलग सी प्रॉब्लम, उनकी अलग सी प्रॉब्लम होती हैं वो, और वो अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं अभी इस एज पे, तो यू शुड नॉट ट्राई टू जंप इनटू दैट. आपके पास बहुत कुछ और करने को है. ये तो बात थी उन लोगों की जिनकी गर्लफ्रेंड या वो सिंगल है, नहीं है.
अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ लोग जिनका जो पास्ट में कोई रिलेशन में रह चुके हैं और वो वैलेंटाइन डे वाले दिन बैड फील करते हैं बिकॉज दे आर मिसिंग देयर एक्स, दे आर मिसिंग देयर लव्ड वंस, यू नो. तो दे व्हाट दे ट्राई टू इंडल्ज इनटू इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. एंड व्हाट आई मीन इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इज दे ट्राई टू बिंज ऑन एल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स और व्हाटएवर, यू नो, हैविंग सेक्स विद एनीवन, राइट. You have two options. You can either indulge into self-destructive behavior or you can use that energy into second option, which is canalize that energy into something productive. So how you can do it? Aap try kar sakte hain ki apne life ke goals ki taraf progress kare. Try to accomplish something. You know, wo kaam karne ki koshish kare jo aapka kafi time se pending pada hai. Aur wo hi अगर आप उसको मिस भी करते हैं, अपने एक्स गर्लफ्रेंड को, एक्स वाइफ को, कुछ भी मिस करते हैं, तो वही प्यार अगर आपके दिल में है तो आप उसी प्यार को अपने फैमिली पे निशावर कर सकते हैं. यू कैन गिव दैट लव टू योर मदर, यू कैन गिव दैट लव टू योर सिस्टर, यू कैन गिव दैट लव टू योर नेफ्यूज, नीसीज और वट एवर. तो यू डोंट हैव टू फील सैड अबाउट देम. गिव दिस थिंग अ ट्राई, यू नो, इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड और एक्स, शावर दैट लव दैट यू हैव इन योर हार्ट to your relatives, to your family. You will really feel good about it. तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप गलत कामों में की तरफ जा सकते हो, डिप्रेस रह सकते हो, सारा दिन रोते रह सकते हो, या उसी चीज़ को किसी प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो. जैसे कि इस बंदे ने मुझे मैसेज करके बोला, जिम ने ही उसे एल्कोहल और ड्रग्स और ऐसे बिहेवियर से बचाया. सो दिस इज नॉट द ओनली केस गाइज विच कि जिम ने ऐसा कुछ किया. Gym is just one of the things that you can do. It's not about just gym. You can do anything which you like. You can find a new hobby. You can do play guitar, start book reading, start writing something, or anything. Plenty of things, right? तो ये बात को लेके एक और हमें चीज सीखने को मिलती है कि how gym, you know, is a great thing for such people. मैंने बहुत लोगों को पहले मिला हूँ मैं, उन्होंने भी मुझे ऐसी बातें की कि मेरी गर्लफ्रेंड ने सब मुझे छोड़ दिया, कोई और लड़का था, वो हॉट था, ये वो, तो मैंने अब ऐसी बॉडी बनाई है, ये वो. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, यू कैन चूज योर्स. योर लाइफ इज इन योर हैंड्स. यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, गो अहेड डिस्ट्रॉय इट. और यू वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, यू कैन डू इट. जस्ट डोंट लेट वन ब्रेकअप और वन स्टूपिड थिंग रुइन योर होल लाइफ. And you should take motivation from this guy. And this is it, guys. I hope you share this video so as to help people. Maybe कुछ लोग बहुत stress में हों और उनको शायद ये help कर दे. तो अगर आप चाहते हैं ऐसी videos कुछ और बनाऊँ मैं, तो I'll definitely make some few more videos if you like this content. This is not a relationship channel, but I felt कि मुझे ऐसा कुछ अगर मेरे पास medium है तो मैं कुछ कर सकता हूँ तो करना चाहिए. तो आपके responses जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ. सो थैंक यू गाइस एंड स्टे चीयरफुल एंड रिपीट विद मी वन मोर टाइम, वैलेंटाइन डे इज शिट. यू डोंट नीड टू टेल योर लव्ड वन जस्ट वन डे कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ. बाय बाय.